नमस्कार, खम्मागणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत के सलाहकार ने इस मुद्दे पर कहा, गजेंद्र सिंह शेखावत की पोल खुल गई है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चुनावी रणनीति पर की चर्चा, बैठक में शामिल हुए 25 पर्यवेक्षक। रामदेवरा की धरा से गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस को घेरा, कहा ये सनातन धर्म को नकारने वालों के साथ खड़े। भाजपा ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष पूर्व वाइस चेयर में इटावा भरत पारेता पर जानलेवा हमला, पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अन्नपूर्णा नगरी 12 में बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना लेकर केंद्र सरकार को घोषित करे, यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना केंद्र सरकार घोषित करे, नहीं तो आने वाले दिनों में पूर्वी राजस्थान में मुद्दा और गर्माया जाएगा। मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं विधायक रामकेश मीणा अपने निवास पर प्रेस वार्ता में ये बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में बाधाएं उत्पन्न कर रही है। ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की योजना तत्कालीन भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय साल 2016 में बनाई गई थी, जिसे सीडब्ल्यूसी व अन्य अधिकृत संस्थानों द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। राजस्थान में अजमेर एवं जयपुर दौरे के दौरान इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का आश्वासन दिया गया, परंतु केंद्र सरकार ने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना तो दूर वरन बंद करने तक के निर्देश दिए जा रहे हैं, जो अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध होना प्रस्तावित, डूंगरी बांध से लाभान्वित होना है, लेकिन अभी तक डूंगरी बांध को प्राथमिकता से लिया हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा इस परियोजना को जानबूझकर लंबित किया जा रहा है। राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि एआईसीसी द्वारा नियुक्त लोकसभा क्षेत्रवार पर्यवेक्षकों की रविवार को बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान चुनाव संबंधी तैयारियों की रणनीति पर चर्चा हुई। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को महज कुछ महीने का वक्त बाकी और सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस राजस्थान में दोबारा सत्ता पर काबिज होने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। रविवार को बुलाई गई पर्यवेक्षकों की बैठक में वरिष्ठ पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री, पर्यवेक्षक शशिकांत सेंथिल, एआईसीसी द्वारा नियुक्त समन्वयक रंजिता रंजन, किरण चौधरी, डॉक्टर हरक सिंह रावत, शमशेर सिंह ढिल्लो समेत 25 पर्यवेक्षक शामिल हुए। बैठक में मिस्त्री ने अन्य पर्यवेक्षकों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों हेतु व्यापक रणनीति पर चर्चा की। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि बैठक में समन्वयकों को लोकसभा क्षेत्रवार कार्य विभाजित कर समन्वय की जिम्मेदारी प्रदान की गई। वहीं वरिष्ठ पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री ने प्रेस से बातचीत में दावा करते हुए कहा कि राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और प्रदेश में एक नया इतिहास रचा जाएगा। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि पर्यवेक्षकों को सौंपे गए विधानसभा क्षेत्रों में अपना काम करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के परामर्श रणनीति तय की जाएगी। मिस्त्री ने कहा कि किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी और प्रदेश में एक नया इतिहास रचा जाएगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले त्रिनेत्र गणेश मंदिर और बेणेश्वर धाम के बाद अब भाजपा का चुनावी रथ जैसलमेर के रामदेवरा से भी रवाना हो गया। रामदेवरा में परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जो राजस्थान प्रगति के सारे पैरामीटर पर देश के अग्रणी प्रदेशों में से एक था, उसे आज भ्रष्टाचार, बलात्कार, पेपर लीक, माफिया राज में पहले पायदान में पहुंचने का पाप किया। शेखावत ने कहा कि जिस तरह से तुष्टिकरण की राजनीति के चलते जहां देश में इंडिया घमंडिया अलायंस बना है, इन लोगों ने जिस तरह से सनातन धर्म को खत्म करने का संकल्प लिया है, कांग्रेस ऐसे सनातन धर्म को खत्म करने वाले विरोधियों के साथ खड़ी। शेखावत ने कहा कि इस धरा की रक्षा के लिए कई पीढ़ियां कुर्बान की, लेकिन कांग्रेस आज विरोधियों के साथ खड़ी, वो सनातन धर्म को खत्म करने पर खुले हैं। शेखावत ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने राम भगवान को अस्तित्व को नकारा और उनके मंदिर के लिए अवरोध पैदा किए। जो नारा लगाते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये उन लोगों के साथ खड़े होने का पाप करते हैं और ऐसा नारा देने वाले कन्हैया कुमार को अपनी पार्टी का स्टार प्रचारक बनने का पाप करते हैं। उन लोगों के साथ जो आज हमारा संघर्ष सामने दिखाई दे रहा है, कांग्रेस ने राजस्थान में भी तुष्टिकरण के साथ काम किया
बहुसंख्यक हिंदू समाज को मानसिक तौर पर कमजोर करने के लिए उन्होंने अलगाववादी और सांप्रदायिक तत्वों का समर्थन किया। उसका नतीजा था कि करौली, भीलवाड़ा और जोधपुर में दंगा हुआ। इसका परिणाम हुआ कि उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर के सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। इटावा नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष भरत पारिता पर अज्ञात बाइक सवार युवकों ने चाकुओं और लाठियों से प्राणघातक हमला कर दिया, जिसमें पारिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इटावा से प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया। भरत पारिता ने बताया कि वो अपने अन्य साथियों के साथ दुकान के बाहर बैठे हुए थे कि दो बाइक पर 6 युवक आए और अचानक उन पर चाकुओं और लाठियों से हमला बोल और मौके से फरार हो गए। जानकारी मिलते ही परिजन व अन्य साथी मौके पर पहुंचे और घायल को इटावा अस्पताल पहुंचा, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कोटा रेफर कर दिया। इटावा डीएसपी सोजीलाल मीणा के निर्देशन में इटावा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। घटना को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा और देर रात्रि को बूंदी जिला के लबान ग्राम के पास से गिरफ्तार किया। इटावा से जेके नागर की रिपोर्ट। अन्नपूर्णा नगरी 12 में बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने जेट प्लेन से झालावाड़ रोड एयरपोर्ट कोटा को 3 सितंबर 2023 प्रातः 9 बजे पहुंचे। कोटा एयरपोर्ट से शास्त्री जी बागेश्वर धाम भक्त मंडली के लाखों की संख्या में निजी वाहन से प्रातः 10 बजे रवाना हुए, जो सड़क मार्ग से अंतर शहर में पहुंचे। अंतर शहर से 12 बजे सड़क मार्ग से रवाना होकर 12 कोटा रोड स्थित अपने निर्धारित विश्राम स्थल पहुंचे, जहां से शास्त्री जी विश्राम उपरांत 4 बजे कथा स्थल कृषि उपज मंडी 12 पहुंचे, जहां पर 4 बजे से 7:30 बजे तक कथावाचन का प्रोग्राम हुआ। लाखों लोग उनको देखने के लिए पहुंचे, सड़कों पर एकत्रित हुए और एक झलक देखने के लिए लोग आतुर नजर इधर उधर दौड़ते रहे। वो 7:30 बजे अपने निर्धारित समय राज पैलेस होटल पहुंचे। रिलावन से ज्योति विजय की रिपोर्ट। यहाँ पर रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482121297। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। कथा मनुष्य के अंधकार रूपी जगत में सूर्य के समान प्रकाश करने का कार्य आचार्य ऋतुराज शर्मा श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन सोमवार से इटावा में मोती कुआ स्थित श्री कल्याण राय मंदिर प्रांगण आचार्य ऋतुराज शर्मा बूंदी वाले के मुखारविंद से कथा प्रारंभ, जिसकी कथा से पूर्व सर्वप्रथम विप्रो द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान गणेश का पूजन किया गया। शिवपुराण की शोभा यात्रा व कलश यात्रा श्री राम जानकी मंदिर से कलशों की पूजा अर्चना कर बैंड बाजों के साथ भजनों का आनंद देते हुए मेन मार्केट से कथा स्थल पर पहुंचे। कथा व्यास आचार्य ऋतुराज शर्मा ने कथा महात्म्य व बिंदुक चंचुला प्रसंग सुनाते हुए बताया कि पति बिंदुक के पतन के कारण चंचुला भी पदभ्रष्ट हो गई, लेकिन जीवन के अंतिम समय में सुनी हुई कथा से चंचुला की सद्बुद्धि हो गई और सदगति हो। कथा मनुष्य के अंधकार रूपी जगत में सूर्य के समान प्रकाश करने का कार्य कर, जिसे व्यक्ति उचित अनुचित कार्यों के भेद को समझने में सक्षम होता है। श्रोता वक्ता के भेद बताते हुए कथा व्यास ने बताया कि कथा सुनने के लिए जीवन श्रद्धा विश्वास व संयम बहुत आवश्यक है, तब कथा श्रवण पुष्ट
होती है। भक्ति सूत्र बताते हुए कहा कि भगवान के भजन से दुखों का खंडन होता, इसलिए भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। कथा के उपरांत आरती हुई, जिसमें कलाल समाज अध्यक्ष त्रिलोक पारिता, नरेंद्र पारिता, राकेश खेडली, टोनी जगरोटिया, जस्सू जगरोटिया, मदन पारिता, रमेश पारिता, गिरिराज गुप्ता, नंद बिहारी पारिता, सुरेंद्र जगरोटिया, भगवान दास पारिता, ब्रिजमोहन मंडरायला सहित अन्य समाज के सभी धर्मप्रेमी भक्तों ने भाग लिया। आरती के बाद श्रोताओं को प्रसाद वितरित किया गया। जेके नागर की रिपोर्ट। रविवार को दौसा पहुंचे आम आदमी पार्टी के द्वारका विधायक विनय मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े। मिश्रा ने कहा कि राजस्थान में उनकी टक्कर किसी भी पार्टी के साथ नहीं। उन्होंने कहा कि तीसरी पार्टी वही जगह बना पाती है जो राष्ट्रीय स्तर की हो, और आज की तारीख में आम आदमी पार्टी हिन्दुस्तान की चौथी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बन। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा रविवार को आगरा रोड पुलिस लाइन दौसा के पास स्थित अशोक होटल दौसा में पहुंचे, जहां उनका स्वागत कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े ही जोश के साथ। जिला सचिव एडवोकेट निर्मल वर्मा ने बताया कि प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा सोमवार को जयपुर में अरविंद केजरीवाल और पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान के आगमन पर दौसा की आम जनता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दे रहे हैं। दौसा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मुकेश मीणा ने कहा कि दौसा विधानसभा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। गहलोत सरकार को सत्ता से हटाने के लिए दौसा जिले की आम जनता अधिक से अधिक संख्या में साथ आने का आह्वान करती है। जिलाध्यक्ष रामोतार जोरवाल ने भी सभी दौसावासियों को साथ आने की अपील की। राजनीति में हर चीज के अपने मायने होते हैं, और कहते हैं कि एक तस्वीर हजारों शब्द बयां करने की ताकत रखती है। एक ऐसी तस्वीर राजस्थान से निकलकर सामने आई है, जिससे सियासी चर्चाएं जोर पकड़ रही है, और वही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। ये तस्वीर है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई की, जिसे खुद गौरव गोगोई ने अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया है। वसुंधरा राजे से मिले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई दो दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई की उदयपुर एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस तस्वीर के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात को प्रदेश की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि इन दिनों वसुंधरा राजे और प्रदेश भाजपा नेताओं की अदावत किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में इस तस्वीर के सामने आने से राजनीतिक हलकों में खुसर फुसर शुरू हो गई है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, उदयपुर एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। जिले में रविवार को कोटा पुलिस ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसे बेचने की कोशिश करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के मुताबिक एक घर में बंद करके रखी गई अपहृत नाबालिग लड़की की उम्र 17 साल बताई गई है। गत गुरुवार को मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग लड़की और उसकी मां का रेस्क्यू करने में कामयाब। रिपोर्ट के मुताबिक बचपन बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मदद से गुरुवार देर रात प्रेमनगर अफोर्डेबल सोसाइटी के एक घर से पीड़ित लड़की और उसकी मां को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचाया। पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि उस समय आरोपी कथित तौर पर 5 लाख रुपए में नाबालिग की शादी कराने के लिए बातचीत कर। पुलिस ने बताया कि लड़की और उसकी मां को 24 अगस्त को कोटा लाया गया और विभिन्न स्थानों पर बंधक बनाकर रखा गया। बचपन बचाओ आंदोलन के निदेशक मनीष शर्मा ने बताया कि इस दौरान तीन दलालों ने कथित तौर पर 5 लाख रुपए में लड़की की शादी कराने का प्रयास भी किया। केंद्र की जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन के एक मामले, राजस्थान के कई शहरों में की गई छापेमारी में 2,32,00,000 रुपए की बेहिसाब नकद और 64,00,000 रुपए मूल्य के सोने के छड़ बरामद किए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया कि छापेमारी 1 सितंबर को राज्य की राजधानी जयपुर, अलवर, निमराड़ा, बैरोड और शाहपुरा में स्थित विभिन्न परिसरों पर की गई थी। गौरतलब है धन शोधन का मामला राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की प्राथमिकी से सामने आया है, जिसमें श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के मालिक पदमचंद जैन, गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मालिक यानी कि श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मालिक महेश मित्तल और अन्य लोगों पर अवैध संरक्षण पाने, निविदाएं प्राप्त करने, बिल स्वीकृत कराने और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं इंजीनियरिंग विभाग पीएचईडी से प्राप्त विभिन्न निविदाओं के संबंध में उनके द्वारा किए गए कार्य की बाबत अनियमितताओं को छिपाने के लिए लोक सेवकों को रिश्वत देने के आरोप है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि संदिग्ध अपनी निविदाओं अनुबंधों में इसका उपयोग करने के लिए हरियाणा से चोरी किए गए सामान की खरीद में भी शामिल, और उन्होंने पीएचईडी अनुबंध प्राप्त करने के लिए इरकॉन से फर्जी कार्य समापन पत्र भी जमा किए थे। ईडी के मुताबिक 2,32,00,000 रुपए की बेहिसाब नकदी, 64,00,000 रुपए मूल्य के 1 किलोग्राम सोने की छड़, डिजिटल साक्ष्य, हार्ड डिस्क, मोबाइल आदि सहित आपत्तिजनक दस्तावेजों का जब्त होना यह दिखाता है कि पीएचईडी अधिकारियों के मिले भगत से इन व्यक्तियों ने बड़े पैमाने पर धन की हेराफेरी की। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए
गए जल जीवन मिशन का उद्देश्य घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है और राजस्थान में राज्य पीएचईडी द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत के सलाहकार ने इस मुद्दे पर कहा, गजेंद्र सिंह शेखावत की पोल खुल गई है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चुनावी रणनीति पर की चर्चा, बैठक में शामिल हुए 25 पर्यवेक्षक। रामदेवरा की धरा से गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस को घेरा, कहा ये सनातन धर्म को नकारने वालों के साथ खड़े। भाजपा ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष पूर्व वाइस चेयर में इटावा भरत पारेता पर जानलेवा हमला, पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अन्नपूर्णा नगरी 12 में बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।